हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे सिल्हौरी धाम। सिल्हौरी धाम कहाँ है? बिहार के छपरा जिला में मढ़ौरा एक जगह है जहाँ सिल्हौरी धाम मंदिर है। भोलेनाथ की मंदिर है, शिलानाथ की। इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ हम क्यों गए थे, कैसे पूजा किए, किस लिए हम वहाँ गए थे इस मंदिर में, बहुत दिनों से मन था इस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का। तो ये देखिए, यहाँ से मंदिर प्रारंभ होता है और हम लोग फ्राइडे यानी शुक्रवार को गए थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ वहाँ नहीं था। सोमवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। मंदिर के बाहर बहुत सी प्रसाद की दुकान थी जहाँ से हम लोगों ने, आप देखा अभी वीडियो में, हम प्रसाद ले लिए हैं। आगे चलेंगे हम, फूल माला जल लेकर देखिए बैठकर यहाँ ये सारे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं जो आपको गंगा जल मिश्रित जल देंगे और फूल माला सब कुछ भांग धतूर देकर आपको संकल्प करवाते हैं। जो हम अंदर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे उसके लिए संकल्प यहाँ लिया जाता है। और देखिए, कोई भी व्रत पूजा में, आप लोग को मैं पहले भी बताई हूँ कि संकल्प हमें ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पे हम इन पंडित जी लोगों को कुछ पैसे देते हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से संकल्प करवा के विधिवत हमें भेजते हैं जल चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ को। तो ये छपरा जिला, बिहार छपरा जिला में स्थित है एक मढ़ौरा जगह जहाँ पे ये अपने आप निकले हुई शिवलिंग है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जो बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोग को पता होगा, खास करके जो छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा इस मंदिर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और आप लोग को मैं पहले बताई कि सोमवार को यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। हम शुक्रवार को गए थे इसलिए यहाँ भीड़ कम था। अब आप लोग को बताती हूँ मैं यहाँ क्यों गई थी। आप लोग को मैं पिछले वीडियो में दिखाई हूँ अपना मैरिज एनिवर्सरी का ब्लॉग। जी, हम मैरिज एनिवर्सरी पे गए थे यहाँ पे और आप लोग को मैं बताती भी हूँ अपने वीडियो में कि कोई भी अच्छे दिन की शुरुआत हमें भगवान के मंदिर से, भगवान की पूजा से ही करनी चाहिए। तो मैरिज एनिवर्सरी में सभी बहनों से अनुरोध है कि भगवान की पूजा जरूर करें, खास करके भोलेनाथ की। भोलेनाथ अघरदानी है, जो मांगते हैं हमें जरूर मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विधिवत पूजा किया वहाँ पे और पूजा करने के बाद बाहर आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी जगह है और बाहर क्या क्या खासियत है यहाँ की, कौन कौन सी और बाहर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो दिखाऊंगी। एक छोटी सी निवेदन है आप लोगों से, फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कॉमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हम लोग मैरिज एनिवर्सरी पे गए थे पूजा करने के लिए और छपरा डिस्ट्रिक्ट से ही मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन छपरा के रहते हुए भी मैं मंदिर में नहीं जा पाती हूँ। यहाँ आना जाना बहुत कम होता है, हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है ये मंदिर। लेकिन हम लोग गए थे मैरिज एनिवर्सरी पे, बहुत दिनों से मन था इस मंदिर में जाने का। कोई मन्नत तो नहीं था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मन्नत हो तभी हम कोई मंदिर जाएंगे। शौक था ये कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाएं। तो बहुत ही अच्छे दिन मिली हम लोगों को जाने के लिए अपनी शादी की सालगिरह। तो जाकर हमने विधिवत पूजा किया वहाँ पे और साइड में पंडित जी बैठ के मंत्र भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड में सुनाई देगा। फ्रेंड्स, वहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था बाहर। यहाँ पे अष्टयाम हो गया, शादी विवाह भी होता है। जिनके पेरेंट्स, जिनके गार्जियन सक्षम नहीं होते हैं घर से शादी करने के लिए, तो इस मंदिर से बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं। और इस मंदिर की खासियत अभी आप लोग को बताती हूँ। बहुत ही पहले राजा शील निधि थे, एक राजा शील निधि थे, उन्हीं के कारण इस मंदिर का शुरुआत हुआ था। राजा शील निधि यहाँ पे सबसे पहले भोलेनाथ को देखे थे, बहुत ही हजारों साल पहले की बात है ये। उसके बाद यहाँ शंकर जी की लिंग बाहर निकली, ये अपने आप धरती से निकली हुई है। और ये इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे आप जो भी मन से मन्नत मानेंगे कभी आप इस भोलेनाथ के द्वार से खाली हाथ नहीं जाएंगे।
बहुत सारी मन्नत हमारी भी पूरी हुई है और आगे भी भोलेनाथ से कुछ मन्नत के लिए ही हम गए थे। जब पूरा होगी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, वहां जाके फिर से पूजा पाठ जरूर करेंगे। तो यही इस मंदिर की खासियत है कि कोई भी भक्त यहां से खाली हाथ नहीं जाता है। अगर आपने सच्चे मन से जो मांग दिया इस भोलेनाथ से आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों में से जो बिहार से हैं जरूर इस मंदिर में जाइएगा। आप रूपी शंकर भगवान हैं, ये अपने आप निकले हुए हैं, कोई मंदिर बनवाया हुआ नहीं है। बहुत हजारों साल पहले जब राजा सील निधि को शंकर भगवान का लीन दिखा था, उन्होंने बहुत से राजा को प्रचार करके बहुत सारे देश के राजा को बुलाकर मिलाकर इस मंदिर का शुरुआत निर्माण किया था। उस समय से यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई। देखिए अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और बाहर माता पार्वती सहित सभी देवियों की मंदिर है। यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और नंदी बाबा, साथ में माता पार्वती भी हैं। मंदिर के अंदर जो आपने देखा वहाँ पे सिर्फ भोलेनाथ की लीन है। तो यहाँ पे हमने विधिवत पूजा किया, जो भी हम सिंदूर बिंदी लेके गए थे माता पार्वती के लिए हम यहीं पे चढ़ाएं, और दोनों पति पत्नी हम लोग बहुत ही अच्छे से पूजा किए। बेटा भी मेरा साथ में गया था लेकिन वो खाना खा कर गया था इसलिए वो पूजा नहीं कर पाया, सिर्फ प्रणाम किया भगवान को। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने मैरिज एनिवर्सरी पे बहुत ही खास मंदिर मढ़ावड़ा की सिलौड़ी मंदिर में पूजा किए। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स पूजा करके, यहाँ पे बहुत मन को शांति मिली। और भगवान भोलेनाथ पहले भी इस मंदिर से मेरी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण किए हैं, इस बार भी मैं भगवान से मनोकामना के लिए ही गई थी। देखिए यहाँ पे माता पार्वती सहित सभी लोगों की मूर्तियाँ हैं, बाहर ही मूर्ति बनाई हुई है। यहाँ पे अभी हमने पूजा किया, ये एक कुआँ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारद जी इस कुआँ में झांके थे तो उनको अपना फेस बंदर का दिखाई दिया था, मतलब ये पहले की बनाई हुई है। देखिए आई लव सिलौड़ी धाम लिखा हुआ है बाउंड्री पे। ये कितना बड़ा स्पेस, बहुत बड़ा मंदिर है। देखिए यहाँ पे अष्टजाम भी हो रहा है, अभी आपको शादियाँ भी दिखेगी, लड़का लड़की देखिए इसको तैयार करके यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए शादियाँ भी की जाती है। बहुत ही बड़ी मंदिर है ये। यहाँ पे हवन कुंड, मतलब जब यज्ञ होता है या अष्टजाम वगैरह होता है तो इस हवन कुंड में हवन किया जाता है, ऐसे डेली नहीं किया जाता। देखिए बहुत बड़ी मंदिर थी। उसके बाद हम बाहर आ गए हैं और जो प्रसाद लिए थे उन भैया को पैसा देकर हम लोग प्रसाद अपना पैक कराकर अभी जाएंगे अगले मंदिर में। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले मंदिर गढ़देवी माता की मंदिर का वीडियो मिलेगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।